तो क्या गेमर्स, आज मैं बाय करने वाला मतलब खरीदने वाला वाइस टाउन का सबसे बड़ा गेम वहाँ पर मैं पहले जा चुका हूँ। अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आज मैं फिर से देखने वाला हूँ वाइस टाउन का सबसे बड़ा गेम। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें टिप्सन के पास जाना पड़ेगा। वो मैप पर मिशन की तरह कुछ डाल देता है जिस पर मैं क्लिक करके वहाँ पहुँच सकता हूँ। अरे तो टिप्सन ये रहा। ओह नहीं गेमर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यों एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं और वाइस टाउन की पुलिस का है। अगर मैं एक गोली चला दूं तो 5-6 पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लग जाती है। लेकिन इसने तो यहाँ पर पूरा बंदा मार दिया, कोई भी नहीं आया। अरे इन्होंने एक और बंदा मार दिया, वो अब सब कुछ रुक चुका है, कोई भी किसको भी नहीं मार रहा। गेमर्स हम इनसे पंगा करके देखते हैं, ये देखते हैं हमें क्या करते हैं। सबसे पहले चाचा को मारते हैं, ये बहुत उछल रहा था। देश ने तलवार निकाल ली लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अभी ये निकल गया, अब तेरी बारी। और लो भाई ये भी जल्दी टपक गया, लगता है ये पहले से ही जख्मी था, इसकी हेल्थ कम थी। ओ ये कहाँ भाग रहा है, अबे तू कहाँ जाएगा, मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप कोने में छुप गया। हाँ अब बता कहाँ जाएगा, COVID-19 एम्बुलेंस चुराएगा, अब तेरी इसी में डेड बॉडी जाएगी। तो गेमर्स बहुत टाइम पास कर लिया, अभी चलते हैं टिप्सन के पास। ओ तो टिप्सन तू मुझे जल्दी से वाइस टाउन के सबसे बड़े जेल का एड्रेस मैप पर दे। तो क्या हो गया, आज मैं उसे बाय करने वाला हूँ। तो सही है, मैंने एड्रेस डाल दिया है, मैप चेक करो। ओ तो ठीक है टिप्सन, और ट्रिस्टन मुझे तू थोड़े पैसे भी दे दियो, मेरी मदद हो जाएगी। तू मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ 100K डायमंड्स की हेल्प कर सकता हूँ, ये लो। थैंक्स। तो गेमर्स अभी चलते हैं मैप पर। ओ तो ये रहा मिशन, ये अभी आ चुका है, अभी इस पर क्लिक करते और चलते हैं वाइस टाउन के सबसे बड़े जेल में। इस बार तो मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। ओ तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ वाइस टाउन के सबसे बड़े जेल में। पिछली वीडियो में यहाँ पर मुझे एक पुलिस ऑफिसर लाया था, लेकिन इस बार तो मैं अकेले ही आ चुका हूँ। टिप्सन ने मुझे डायरेक्ट यहीं पर भेज दिया। ओ गेमर्स यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ कैदी भी कैद हैं और कुछ तो निकल भी गए। मैंने टिप्सन से बात की थी इनकी, टिप्सन ने बस सुपर हीरो को छुड़ा लिया, लेकिन आज मैं इनको भी छुड़ाने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर अभी बच्चा कौन है? ओ तो ये गरीब अभी तक कैद है, और ये म्यूटेंट, और उसके अलावा ये चोर रॉबर आटिका की बहन मिथिला, इसे भी मुझे छुड़ाना पड़ेगा। ये तो साली बैंक लूटते वक्त पकड़ी गई थी, इसे तो 5 साल की सजा, इसे तो अभी कुछ ही दिन हुए। लेकिन कोई बात नहीं, जब ये हम जेल ले लेंगे तो इसके कैदी भी अपने आप मेरे हो जाएंगे, ये वाइस टाउन का कानून है। तो गेमर्स तुमने जेल तो देख लिया, अभी चलते यहाँ से बाहर और इसे बाय करते हैं। तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हैं, ये तो मैं पुलिस स्टेशन के सामने आ गया, और लगता है वो जेल इसी के अंदर है। इसका मतलब उस जेल के साथ ये पूरा पुलिस स्टेशन भी मेरा हो जाएगा। लेकिन गेमर्स मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 1,00,000 डायमंड है, और वाइस टाउन के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ पर आने वाले हैं। सोचो उनके पास कितने डायमंड होंगे। अगर ये जेल मुझे सच्ची में लेना है तो मुझे और बहुत सारे डायमंड्स चाहिए, लेकिन कहाँ से आएंगे वो। ओ गेमर्स अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इन डायमंड्स की हम गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो अभी चलते हैं कैसीनो, वहाँ पर स्लॉट मशीन में ट्राई करते हैं और उस स्लॉट मशीन में स्पिन घुमाते हैं, शायद मेरे 1,00,000 से 1 करोड़ हो जाए। तो अभी चलते हैं कैसीनो। ओ तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ कैसीनो। तो गेमर्स अभी चलते हैं स्लॉट मशीन के पास और उसमें 1,00,000 डालते हैं और देखते हैं हमें कितने मिलते हैं। बस 3-4 करोड़ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, आराम से ले लेंगे हम वो जेल। हैं ये क्यों इतना उछल रहा है, लगता है इसके बहुत सारे पैसे निकले। बता क्या हुआ, तेरी मम्मी हुई हैं क्या बोलता है, अभी तेरे सारे पैसे निकालता हूँ। छोड़ो छोड़ो गेमर्स, 5 बजे मीटिंग है, अभी 4 बज रहे, मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो कोई और बाय कर लेगा वाइस टाउन का सबसे बड़ा जेल। अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओ तो गेमर्स मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम देख सकते हो मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। अभी 1,00,000 रुपए जाने वाले हैं मेरे यहाँ, इसके बदले में डबल ट्रिपल पता नहीं कितने डायमंड्स आने वाले। ओ तो गेमर्स ये रहा, यहीं पर ही लिखा है 100 मिलियन डायमंड, मेरी सोच हमेशा गरीबों वाली रहेगी, यहाँ पर तो 1,000,000,000 डायमंड लिखा है। तो गेमर्स अभी जल्दी से स्पिन करते हैं और ये जीत लेते 1,000,000,000 डायमंड। 1, 2, 3 ये आएंगे या जाएंगे, आएंगे। अगर ये लग गया तो मैं गरीब। ओ गेमर्स अभी कुछ भी नहीं लगा, ट्राई अगेन आ रहा है। अभी मैंने टिप्सन के 1,00,000 डायमंड भी डुबा दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप हमारे 1,000 स्पिनर है, इसलिए आपको एक फ्री स्पिन मिलता है, एंजॉय एंड बेस्ट लक। ओ तो गेमर्स लगता है लक भी हमारे साथ है, मुझे एक और चांस मिल चुका है, तो अभी दबाते हैं स्पिन के बटन को। ओ तो ओ निकल जा, ये लग जा प्लीज लग जा, मिलियन डायमंड। ओ गेमर्स मेरे मिल, बोला भी नहीं जा रहा, मुझे मिल चुके 1,000,000,000 डायमंड। ओ कितने सारे हैं ये डायमंड और मैं कितना लकी हूँ, अभी तो मैं आराम से वाइस टाउन का सबसे बड़ा जेल ले पाऊंगा। तो गेमर्स अभी ये डायमंड लेके चलते हैं टिप्सन के पास। अरे ये इतना खुश क्यों हो रहा है, बता तेरा क्या निकला है।
बहुत मोटर जैकपॉट निकला है तेरी मम्मी जैसा। है क्या बोलता है, इस कंगले का कुछ नहीं निकला होगा, ये ऐसा ही उछल रहा है। अभी इसको मार कर देखते हैं इसके कितने पैसे निकलते हैं। 1 लाख से ऊपर ही होंगे जिस हिसाब से ये खुश हो रहा था। ओ इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, 1 नंबर का पूरा कंगाल था, तो ये फिर खुश क्यों हो रहा था पागल। इसको छोड़ो गेमर, लो तो क्या है, मेरे डायमंड निकले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तेरे कसीनो की पूरी कमाई मेरी हो गई, कई सालों तक इन सालों ने लोगों को लूटा है। ओ तो हाय स्टूपिड इडियट, मैं अमीर बन चुका हूँ। इन गरीबों को छोड़ो गेमर्स, अभी टिप्सन के पास चलते हैं। ओ तो गेमर्स मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, जल्दी से कोई व्हीकल लेते हैं और चलते हैं टिप्सन के पास। इस मिलिट्री जीप को ही उड़ाते हैं, निकल जाए इडियट। तो गेमर्स अभी जल्दी टिप्सन के पास, मैं मिलता हूँ तुम्हें टिप्सन के पास। तो गेमर्स मैं अभी पहुँचने वाला हूँ टिप्सन के छोटे से घर के सामने। ओ ये रहा टिप्सन। तो टिप्सन तू बता मुझे वो मीटिंग कहाँ हो रही है। अगर तुम वाइस टाउन के बिगेस्ट जेल ऑक्शन की बात कर रहे हो तो वो कैसीनो के बाहर हो रहा है। ओ गेमर्स मुझे कैसीनो ही जाना है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं गेमर्स, तो अभी चलते हैं कैसीनो। तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ कैसीनो में। यहाँ पर बहुत सारे वाइस टाउन के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए वाइस टाउन का सबसे बड़ा जेल लेने। यहाँ पर बोली लगने वाली है, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो लेगा। तो किसे है आप सब लोग, मेरा नाम जिप्सन है, आपका वेलकम है वाइस टाउन की सबसे बड़ी जेल की लीलामी में। तो लीलामी को स्टार्ट करते हैं 50,000 डायमंड्स से। मैं 60,000 डायमंड्स दूंगा। मैं 80,000 डायमंड्स दूंगा। गुड गुड, काफी अच्छे जा रहा है। मेन डिक्रेटर हो अपनी पावर, मेरी तरफ से पूरे 1,00,000 डायमंड्स। ओ म्यूटेंट सिटी के म्यूटेंट ने बहुत अच्छे डायमंड्स लगाए हैं, कोई है किया जो इसे भी ज्यादा लगाए। 1,50,000 डायमंड्स आप बताओ क्या कोई इसे ज्यादा दे सकता है। बस इतने ही, मेरे पूरे 10 मिलियन डायमंड्स। होली स्मोक्स, किया 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 किया, लगता है ये जेल इसका ही होगा। कोई है मिलियंस डायमंड्स देने वाला, किया तुम आई से ज्यादा दे सकते हो, किया तुम या तुम किसी मेन दम है इसे ज्यादा देने का। मुझे भी जल्दी से बोली लगानी पड़ेगी, जेल की काफी कीमत बढ़ चुकी है, लगता है ये लेकर ही मानेगा। मुझे लगता है इसे ही देना पड़ेगा। तो 10 मिलियंस, 1, 2, मैं दूंगा 1,000 मिलियन डायमंड, इसे ज्यादा कोई दे सकता है। हाँ बताओ कोई दे सकता है, मुझे लगता है इसे ही देना पड़ेगा। तो 1,000 मिलियंस, 1, 2, 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वाइस टाउन का जेल आपका हुआ, यह लो चाबी और पेपर्स। ओ तो गेमर्स, तो मैंने बाय कर लिया है वाइस टाउन का सबसे बड़ा जेल, लेकिन मुझे इसके कुछ ज्यादा ही पैसे देने पड़े, मुझे पूरे 1,000 डायमंड देने पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये जेल मेरा हो चुका है। तो गेमर्स अभी चलते हैं मैप पर, और ये देखो ये टिप्सन के बिना भी आ चुका है, भी मैं इस जेल में जा सकता हूँ टिप्सन के हेल्प लिए बिना। तो गेमर्स अभी चलते हैं वाइस टाउन के सबसे बड़े जेल में। ओ तो गेमर्स मैं अभी आ चुका हूँ वाइस टाउन के सबसे बड़े जेल में। ये देखो मेरे पास चाबियां भी आ चुके हैं, सबसे पहले इसका लॉक खोलते हैं। थैंक यू भाई। तो गेमर्स मैं इसी तरह सबको खोलता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें सबको खोलने के बाद। तो गेमर्स जितने भी थे मैंने सबको खोल दिया, ये देखो सब खुल गए, लेकिन मेरा मिथिला को खोलने का कोई मूड नहीं था। ये बहुत बड़ी चोर है, मैंने इसको आर्टिका के लिए खोला है। लुक ही, कंगले ने जेल किया खरीद लिया, कुछ भी बोल रहा है। चुप कर जा, नहीं तो मैं वापस बंद कर दूंगा। तो गेमर्स अभी बाहर चलते। ओ तो गेमर्स ये वीडियो तुम्हारे को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तुमने देखा मैंने कैसे बाय किया वाइस टाउन का सबसे बड़ा जेल, और मैंने अपने दोस्तों और बेगुनाह कैदियों को भी छुड़ा लिया। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है अंश तिवारी, लोकेश और गौतम धर। अगर तुम भी शॉर्ट आउट चाहते हो तो कमेंट करो, शायद तुम्हें भी मिल जाए शॉर्ट आउट। और तो अगर ये वीडियो तुम्हारे को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, हम 50,000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है। तो जल्दी से इस बटन को दबा दो, शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और, हाँ ये वीडियो एडिटेड थी, एंड बाय थैंक्स।